Hi guys, this is Monica and you're watching Men's Movie Meet. Well, दोस्तों आज मैं आपको बताने वाली हूँ आखिर कैसे सरोज खान बनी थी एक डांसर एक कोरियोग्राफर। जी हाँ, उनकी जर्नी जो थी वो कैसे स्टार्ट हुई थी और किसने उन्हें कहा था बनने और वो कैसे बनी थी और कब बनी थी। वेल, इनकी स्टोरी आप सुन के डेफिनेटली हो जाओगे शॉक बिकॉज इनकी स्टोरी कुछ ऐसी है। सो वेल, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ मोनिका और आज मैं आपको इसी स्टोरी की पूरी डीप जानकारी देने वाली हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। वेल, सबको पता है कि सरोज खान जब बहुत छोटी थी, जी हाँ आप कह सकते हो हार्डली वो एक या दो साल की रहेंगी, जब वो पार्टीशन चला था और वो पाकिस्तान से इंडिया आ चुकी थी। जी हाँ, पार्टीशन का दौर था एंड पार्टीशन के समय वो यहाँ आई थी और जब वो बहुत ही छोटी थी तो उस एज में मैं अगर आपको बताऊँ तो वो डांस करती थी अपने शैडो को देख के। सो वो इतनी छोटी थी कि वो अपने शैडो को देख कर डांस करती थी, जिससे उनकी मॉम जो थी जिनका नाम था निर्मला, वो थोड़ी लाइक स्ट्रेस्ड हो गई थी। उनको लगा कि शायद से सरोज खान जो है वो मेंटली रिटार्डेड है या इनको ऑब्वियसली कुछ बीमारी है, क्योंकि शैडो को देख के अपने कैसे कोई डांस कर सकता है ऑब्वियसली। तो उनको लगा और इतनी छोटी बच्ची है तो शायद हो सकता है कि पार्टीशन का दौर था तो कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा इनके साथ। लेकिन उसके बाद वो गई डॉक्टर के पास और उन्होंने डॉक्टर को ये चीज़ जाके बताई एंड वेल वो सरोज खान का भाई या बहन एक्सपेक्ट करी थी सेकेंड चाइल्ड। जी हाँ, लेकिन जब वो डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा उस टाइम पे सरोज खान के बारे में कि ये इतनी छोटी बच्ची अपनी शैडो देख के डांस करती है, नाचती है, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो बीमारी से ज़रूर है, प्लीज़ इसे पता लगाइए और क्या हुआ है वो फिगर आउट कीजिए। जिसके ऊपर जो डॉक्टर थे वो हंसे और हंस के उन्होंने कहा कि ये इंडिकेट है दैट मीन्स शी इज़ अ डांसर एंड बड़ी होके उसे नाचना है, तो आप क्यों उनके लाइक पेटियाँ डाल रही हो उनके हाथ में, अगर वो नाचना चाहती तो उन्हें नाचने दीजिए, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक आर्ट फॉर्म है जो बहुत ही जल्दी आपने देखा कि जैसे सरोज खान एक या दो साल की उम्र में इन्हें शैडो देख के नाचिए। तो उन्होंने ये चीज़ें कहा कि इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में भेजिए, इन्हें डांसर बनाइए क्योंकि इनमें तो कला है, इनको डांसर बनना है। तो वेल, जब उनके डैड ने ये चीज़ कही, डॉक्टर ने ये चीज़ कही तो सरोज खान की जो मॉम थी वो थोड़ी सी डर गई कि बिकॉज ऑब्वियसली वो इंडस्ट्री में किसी को जानती नहीं पहचानती नहीं तो वो कैसे सरोज खान को वहाँ भेजते। तो तब डॉक्टर ने कहा कि अगर वो हाल ही फिलहाल में किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर कभी किसी को लाइक ऐसे जाएंगे चेकअप करने तो डेफिनेटली वो सरोज खान के बारे में ज़रूर बात करेंगे। ये कहकर फिर डॉक्टर तो उनको सलाह दे के या उनको ऐसे बोल कर चले गए, लेकिन बाद में आगे उनका जर्नी इसी तरीके से बढ़ा। जी हाँ, जब डॉक्टर ने के हेल्प के थ्रू और डॉक्टर के बातों से ये पता चला कि सरोज खान एक डांसर बनना चाहती है और उनमें वो टैलेंट है, उनमें कला है, तो किसी लाइक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर ने ऑब्वियसली सरोज खान को एक मौका दिया एंड देन वो इस इंडस्ट्री में आई। लेकिन वो जब इस इंडस्ट्री में आई तो एज अ कोरियोग्राफर नहीं आई बल्कि वो एक बैक डांसर बन के आई। जी हाँ, इतने सारे स्टूडेंट्स रहते हैं बैक डांसर स्टेज पे जो परफॉर्म करते हैं, बहुत ही कम लोग होते हैं जो बैक डांसर से कोरियोग्राफर बनते हैं एंड देन उनका जर्नी बस इंडस्ट्री में स्टार्ट हो गया। जब वो पहले इस इंडस्ट्री में घुसी एज अ बैक डांसर बनी तो बैक डांसर के बाद वो धीरे 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 करते करते एक सक्सेसफुल कोरियोग्राफर बन गई। जी हाँ, और वो डॉक्टर ही थे, डॉक्टर की सलाह से वो एक डांसर बनी। सो आप मुझे बताओ कि आपको कैसा लगा ये स्टोरी और क्या आपको पहले से पता था सरोज खान कैसे डांसर बनी थी। नहीं पता तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताइए कि उनकी स्टोरी से आप कितने इंस्पायर हुए और आपको क्या कहना है और क्या आपको ये स्टोरी पहले से पता थी या नहीं। तो जल्दी जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बताइए और अगर ये वीडियो हमारा पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सारे अपडेट्स के लिए देखते रहिए।